ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ इस 12 वोल्ट 32 AH की बैटरी की चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ दिस 12 वोल्ट। एंड एज यू कैन सी, करंट एम्पियर से 6.49 आप समझ सकते हैं। तो 6.5 लगभग एम्पियर से हम इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट और 10 एम्पियर के इस चार्जर को दोस्तों, ठीक है। ऑल दो 12 वोल्ट हम इसे बोलते हैं, लेकिन ये आउटपुट में हमें लगभग 12.5 वोल्ट से लेकर के और 15 वोल्ट तक हमें देता है, ठीक है। जो इसकी रेंज है वो 12.5 मीन्स 12.5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट यानी 15 वोल्ट तक की है। इसी रेंज के बीच में हमारी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको एम्पियर कम चाहिए, मीन्स आपको कम एम्पियर पर चार्ज करने हैं, तो आप रोटर स्विच को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस समय किस नंबर पर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है, ठीक है। और पहले नंबर पर लगभग यहाँ पर हमें 6 एम्पियर मिल रहे हैं। अगर मैं इसको दूसरे नंबर पर ले आऊँगा तो एम्पियर हमारे यहाँ पर एम्पियर बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले पर ही हमारी जो बैटरी वोल्टेज जा रही है वो 12.9 के अराउंड जा रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से बैटरी को चार्ज करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, एनफ है। और इसी से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक मेन चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैंने इस चार्जर में ब्रिज लगाया था, ठीक है। सबसे पहले हाफ वेव बनाई थी, ठीक है, अब उसके बाद मैंने ब्रिज लगाया था। और आप देख सकते हैं इस समय ब्रिज आप लोग को डबल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और ये ब्रिज डबल ही है, ठीक है दोस्तों। पहले जो ब्रिज लगाया था वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था, ठीक है। ऑल दो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 एम्पियर के डायोड यूज़ कर रहे हैं, और 6 एम्पियर का यूज़ करने से मतलब है कि यहाँ पर एक ब्रिज 12 एम्पियर का था, ठीक है। अभी नीचे 12 एम्पियर का और ब्रिज मिल गया, तो ये 24 एम्पियर का ब्रिज बन गया, ठीक है। अभी मैं इस पर 10 एम्पियर पर ले जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी भी करंट सिचुएशन में ये गर्म है, ठीक है, हम कह सकते हैं स्लाइटली वार्म है। इतना है कि दोस्तों अगर हम इस पर उंगली लगाते हैं, फिंगर लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिज बहुत ज़्यादा हीट हो रहा और ये ख़राब हो जाएगा, सो नहीं है। क्योंकि दोस्तों 45 डिग्री से 50 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है कि हम अगर फिंगर से टच करेंगे दोस्तों उसको, तो हमें वो बहुत ज़्यादा गर्म ही लगेगा, ठीक है। जबकि ये हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के लिए 45-50 डिग्री सेल्सियस कोई मेजर बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो सस्टेन कर सकते हैं इतने टेम्परेचर को, ये एक नॉर्मल सी बात है इस डायोड्स के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है इनकी दोस्तों, टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों प्योर कॉपर में है, तो ये ब्रिज को सस्टेन कर पा रहा है, मतलब ब्रिज इस पर एक्सेप्टेड है, ब्रिज लगाने पर ट्रांसफार्मर हीट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर का होता मान लीजिए, या 3 एम्पियर का होता, फिलहाल ये ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर्स का है, मीन 10 एम्पियर का है, मान लीजिए 2-3 एम्पियर का होता और ब्रिज में 6 एम्पियर का लगाया था दोस्तों, तो वो ब्रिज जो है रिपल करता, ठीक है, और रिपल करंट की वजह से ही ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता दोस्तों, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हीट हो जाता और 2-3 घंटे यूज़ करने पर ख़राब हो सकता था। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा एम्पियर का ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसफार्मर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कॉपर में होना चाहिए। ऑल्दो एल्यूमिनियम भी सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ कॉपर ट्रांसफार्मर ही परचेस करिए और ब्रिज हमेशा उसी पर लगाइए जो कॉपर का हो ट्रांसफार्मर, और काफ़ी अच्छी जो है उसकी करंट को सस्टेन करने की कैपेसिटी है दोस्तों। इस तरीके से ये वीडियो है दोस्तों, मैंने आप देख सकते हैं जो ये जो एम्पियर मीटर है इसकी रेंज इतनी नहीं है, इतनी नहीं थी, तो मैंने इसको एम्पियर मीटर को बाईपास कर दिया है। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, देखिए एम्पियर मीटर पर कोई भी रीडिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो एम्पियर मीटर है मेरा वो 6 एम्पियर तक का है, ठीक है, जो मैक्सिमम 6 एम्पियर है, और जबकि यहाँ पर 6.5 एम्पियर जा रहे हैं, तो इस समय एम्पियर मीटर यूज़ करने की कोई मतलब नहीं थी, इसकी जो है नेडल ख़राब हो जाती, डिसबैलेंस हो जाती, इसलिए मैंने उसको बाईपास कर दिया है इस जंपिंग वायर से। आप देख सकते हैं जंपिंग वायर से यहाँ से
मीटर इसके अमीटर के दोनों वायर को शॉर्ट कर देना है, मीन्स जंपिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा एम्पीयर मीटर बाईपास हो गया है और अभी ये सब कुछ इस तरीके से चार्जिंग कर रहा है। लगभग एक घंटा हो गया है और एक घंटे के बाद भी स्लाइटली वार्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ब्रिज, और ट्रांसफार्मर भी अभी गुड कंडीशन में है। एम्पीयर आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इस चार्जर के एक डिमेरिट ये होता है कि अगर बैटरी फुल चार्ज भी हो जाएगी दोस्तों तो ये करंट देना नहीं रोकेगा, ठीक है, करंट इसका स्टॉप नहीं होता क्योंकि SMPS नहीं है, ये स्विच मोड पावर सप्लाई नहीं है, यही इसका नुकसान है। और इस कंडीशन में मे बी कि आपकी बैटरी को भी नुकसान हो सकता है और आपके चार्जर को भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।